भलसवा लैंडफिल साइट के पास श्रद्धानंद कॉलोनी की झुग्गियों की तरफ ये मलबा गिरा पड़ा। इस बात की जानकारी इलाके में हुई तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हर कोई डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और हिस्सा भी इस तरफ आ गिरे। आपको बता दें, इस भलसवा डंपिंग साइट पर कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। पिछली बार जब ये भलसवा लैंडफिल साइट गिरी थी तो इसमें 3 लोग दब गए थे और साथ ही कुछ पशुओं के मलबे में दबने से मौत हो गई थी। और आज फिर हादसा हुआ जिसमें कुछ लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है, यहाँ पर कई मोटरसाइकिल ई रिक्शा खड़े हुए थे। यह हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त ज्यादातर लोग यहाँ इस सड़क से पानी भरने के लिए जाया करते हैं। सुबह 7 बजे ये घटना घटी और अब 9 बज गए, 10 बज गए। यहाँ पर अभी पार्षद जी यहाँ पर आए, अभी 5 मिनट पहले जब से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं मौके पर, प्रशासन भी मौके पर आ गया, लेकिन अभी मलबा हटा नहीं है। और दूसरा यहाँ पर यह, अगर आज ये हादसा हो जाता तो एक बहुत बड़ा कलंक लगता दिल्ली पर, सब पर, नगर निगम पर एक बहुत बड़ा कलंक लगता। ना तो खत्ता 1 इंच कम हुआ है, और जबकि जब से दावा करना शुरू करा तब से खत्ता और बढ़ गया ही है। और जब तक ये खत्ता नहीं हटेगा, यहाँ पर हमारे लाखों बहन भाई हैं, उनकी जिंदगी के एक साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने देखा है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारे घर के सामने का आज खत्ता है वो गिरा है, उसमें मेरी भतीजी खेल रही थी वहीं पे, रिक्शा वगैरह बाइक वगैरह भी दबी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कोई इंसान ना दबाओ बच्चा, क्योंकि सुबह पानी नहीं आता है, सारे लोग पानी भरने जाते हैं, अगर कोई बच्चा दबाओ कितनी बड़ी है। और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बहुत बड़ी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने, दोनों पार्टियां जितनी भी हैं, आम आदमी या कमल की पार्टी है बीजेपी, किसी ने कोई एक्शन नहीं, सारे आके बस यहाँ पे अपनी अपनी मतलब रियायत दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। आपको बता दें, यहाँ पिछले कई सालों से नगर निगम इस डंपिंग साइट पर ट्रॉमल मशीन लगाकर मलबे से पन्नी, ईंट, पत्थर, डॉट्स अलग करने का काम कर रही है। वहीं इस भलसवा लैंडफिल साइट की काफी ऊंचाई होने के चलते हमेशा यहाँ डंपिंग साइट में हमेशा ब्लास्ट होने का डर लगा रहता है। लेकिन अब पिछले कुछ दिन से नगर निगम ने इस डंपिंग साइट की ऊंचाई को कम करके इस डंपिंग साइट को चारों तरफ से फैला दिया। अब लगातार बारिश के बाद ये डंपिंग साइट भी चारों तरफ से कमजोर हो चुकी है, जिसका नतीजा आज सुबह देखने को मिला। डंपिंग साइट का एक हिस्सा कमजोर होने के चलते अपनी जगह से नीचे खिसक कर आ गिरा और काफी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हमारे एमसीडी के सारे आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ जेसीबी आने की कोई रास्ता नहीं है, रास्ता बना रहे, 5 मिनट में यहाँ जेसीबी भी आ जाएगी। और ये आप पार्टी के लोग जो है, इनका तो आदत है राजनीति करना, यहाँ हम मलबा हटाने की बात कर रहे हैं, मलबा कैसे जल्दी हटे, कोई नीचे बच्चा न दबा हो, हम उस व्यवस्था में लगे हुए हैं और आप पार्टी वाले अपने राजनीति चमकाने में लगे। फिलहाल प्रशासन द्वारा यहाँ मलबा हटाने का काम जारी है और बारिश के दौरान पूरी डंपिंग साइट दलदल हो गई है और भी ज्यादा इस डंपिंग साइट का हिस्सा गिरने का डर बना हुआ है। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।